नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज आपके लिए मैं लिनोवो टैब m10 FSD रेल और m10 में एक न्यू अपडेट लिनोवो की तरफ से आया है, तो उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में क्या प्रॉब्लम्स लिनोवो ने फिक्स की है, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपको ऐसी टैबलेट से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं कि क्या क्या आपको अपडेट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस अपडेट का चेंज लॉग दिखा देता हूं कि इसमें आपको लिनोवो ने क्या क्या मेंशन किया है। तो दोस्तों जब आप अपनी टैबलेट में अपडेट में जाएंगे तो आपको इस टाइप से न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। ये 250 MB का अपडेट है, तो इतना ज्यादा बिग साइज का भी अपडेट नहीं, काफी आराम से आप अपडेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको दो न्यू फीचर्स इसमें मेंशन है, बाकी क्या फिक्सेस हुए वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें आपको जेस्चर नेविगेशन का देखने को मिल जाता है न्यू फीचर, एक डार्क थीम का देखने को मिल जाता है। दोनों एंड्रॉइड 10 के एक मेजर एक तरह से फीचर्स थे जो कि मिसिंग है इस टाइम अभी तक अपडेट से पहले। तो डार्क थीम तो बेसिकली इसमें है, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, जो कि अब इंप्रूव हुआ होगा, और जेस्चर नेविगेशन आपको इसमें न्यू देखने को मिले हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूं कि टैबलेट में आपको किस टाइप से अब इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो मैंने अपनी टैबलेट को सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है और सारी चीजें काफी बढ़िया तरीके से जैसी थी वैसी ही है, मतलब फॉर एग्जांपल डाटा वगैरह कोई मेरा लॉस नहीं हुआ है, सेम आपको बना हुआ है। अब दोस्तों बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें मेरे को चेंजेस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चेंज, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जहां पर आपको बैटरी की परसेंटेज दिखती थी वो थोड़ी आपको बड़ी साइज में दिखने लगी है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन आपको दिखने लगी है, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं कि आपको क्या क्या इसमें आपको न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मैंने सेटिंग्स वैसे अभी चेक कर ली थी, उसमें आपको सिर्फ एक दो न्यू फीचर्स देखने को मिले हैं, वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब ऐसे ही हैं जैसे कि पहले थे। अब मैं आपको दिखा देता हूं पहला न्यू फीचर। तो दोस्तों डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले में जाने के बाद हम सिस्टम नेविगेशन की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम नेविगेशन में हमें जेस्चर नेविगेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और देखते हैं कि किस टाइप से जेस्चर वर्क करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, अगर हम इसको ऊपर की साइड करते हैं तो ये इस टाइप से आपको रीसेंट एक तरह से एप्स ओपन करके दिखा देता है, और अगर हमें बैक करना है तो हम यहाँ साइड से लेफ्ट और राइट से बैक वगैरह कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप जेस्चर यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये टोटल आपको जेस्चर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने फोन्स में यूज करते हैं तो आपको इसकी आदत होगी और काफी आराम से आप इसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना फिर से नॉर्मल 3-बटन नेविगेशन यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर पढ़ लीजिए अगर आपको किस टाइप से यूज करने हैं। दोस्तों पहला आपको ये फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दूसरे फीचर्स के लिए मैं एडवांस में जाना होगा, एडवांस में आपको डार्क थीम इस टाइप से ऑन करने के लिए मिल जाता है। तो ये मैं बोलूंगा सेम ही है, बट इसमें मे बी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिले हों, तो ये पहले से इस टैबलेट में मौजूद था। आई डोंट नो लिनोवो ने इसको क्यों मेंशन किया था वहां पर, बट हो सकता है इसमें थोड़े बहुत आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हों। तो इस टाइप से आप डार्क मोड भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी नाइट में काफ़ी बढ़िया रहता है, जिनकी जो लाइट की तरफ सेंसिटिव है आइज, उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है, तो आप इस टाइप से जो डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपकी जो एक प्रॉब्लम थी, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, वो थे इसके असिस्टेंट को लेकर। काफ़ी लोग परेशान हो गए थे कि उनका असिस्टेंट सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों लिनोवो ने यहाँ पर देखिए, अब आप इसमें जो ओबेसिटी है इसकी एक तरह से ये इधर साइड में आपको कितना ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपको कितना ज़्यादा दिखाई दे जिससे आप इसको स्वाइप अप इधर कर सकें। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है ये इम्प्रूव हुआ है, साथ में ये फिक्स भी हुआ है कि ये पहले वर्क नहीं कर रहा था अच्छे से, अब मैं आपको एक तरह से इसको वापस से यूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए अब काफ़ी आराम से ये साइड से बाहर आ रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, लिनोवो ने इसको ठीक कर दिया, काफ़ी लोग परेशान थे। तो जिन लोगों के जो टैबलेट में अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो अपडेट कर लीजिए, अपडेट के बाद काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। मैं एक बार इसको आपको ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करके दिखाता हूँ। इस टाइप से दोस्तों आपको शो हो रहा होगा साइड में ये, अब मैं एक बार इसको होम स्क्रीन पर ले चलता हूँ। जैसे मैं इसको होम स्क्रीन पे ले जाऊंगा तो इस टाइप से आपको साइड से आप इसको फिर से निकाल सकते हैं और यहाँ से अपने काम बड़े आराम से कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट्स से वो मैंने आपको बता दिए जो आपको देखने को मिले हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लिनोवो टैब m10 से रिलेटेड ऐसी न्यू वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।